पर गोरखपुर से चली ये ट्रेन अयोध्या पहुंची तो साधु संतों ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। वहीं कई साधु संतों ने कहा कि ये ट्रेन अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए वरदान साबित होगी। पूरे देश को एक सूत्र में बांधना योगी जी का प्रयास, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश डेवलप हो, इसके तहत अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि जिसको जोड़ने के लिए मोदी जी और योगी जी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2024 जनवरी को भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में देश के संसद में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और किस प्रकार से अयोध्या की कनेक्टिविटी जुड़ जाए जिससे देश और दुनिया में रहने वाले राम भक्त अयोध्या पहुंचे। आज वंदे भारत ट्रेन का हम लोगों ने स्वागत किया तो संतों में अपार उत्साह है। प्रगति से चलने वाला भारत में स्वनिर्मित वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया और साथ ही लखनऊ जो भगवान लक्ष्मण जी और राम जी, गोरखपुर भगवान शिव और राम और लक्ष्मण जी की नगरी को ये जोड़ेगी, तो हम सभी सनातनियों के लिए ये अभूतपूर्व दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी की यूपी यात्रा को लेकर सियासत तेज है और ऐसे में विरोधियों के हमले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने पलटवार किया है। न्यूज़ स्टेट से बातचीत के दौरान नरेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी बहुत बड़ा नाम है।